तो नमस्कार, मैं आमोद आप लोगों को अपने YouTube चैनल से एक बार फिर से एक नया अपडेट लेकर आया हूं। और ये अपडेट है बिहार स्टेट फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर एबिलिटी टेस्ट, जो कि 2019 को आयोजित की गई थी। इसके क्वेश्चंस के साथ मैं आंसर लेकर आया हूं। जी हाँ, बिहार टेट फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर, जो कि 2019 में अभी कुछ दिन पहले आज ही हुआ है, और उसका अपडेट मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंसर। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ क्रिकेट? जी हाँ, इसका ऑप्शन है बी, राइट है 11। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सभी को पता है, हॉकी। उसके बाद फिर हम आते हैं, हाउ मेनी मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो जी हाँ, यहाँ पर 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 6। मानव शरीर में कितने प्रमुख लार ग्रंथियाँ होती हैं? तो यहाँ पर हो जाएंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज द फोकल पॉइंट इन मूवमेंट? तो इसमें आपके ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए हुए, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सही ऑप्शन है मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कार्पस इज ऑफ हाउ मेनी डेज? जी हाँ, 120 डेज होता है। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सन रेज? निम्न में से कौन सा विटामिन हम सूरज की किरणों से पाते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सही है ऑप्शन डी, विटामिन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, वेयर वर द नेशनल गेम्स हेल्ड इन 1999 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जी हाँ, सही उत्तर है इम्फाल। फिर 8वां क्वेश्चन, विच मैगजीन इज नोन एज बाइबल ऑफ क्रिकेट? जी हाँ, विजडन को बाइबल ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ लेन इन एथलेटिक ट्रैक इज? जी हाँ, तो एक एथलेटिक ट्रैक में एक लेन की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.22। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल? फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था उरुग्वे में हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में प्रारंभ हुआ था, और इसमें उरुग्वे ही विजेता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पंच सिद्धांतिका ऑन एस्ट्रोनॉमी? जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन ए है, बराही मीर। जी हाँ, बराही मीर जो हैं ये लिखे थे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो है आपके पास, विच इंडियन प्लेयर रोड द बुक वन डे वंडर्स? जी हाँ, वन डे वंडर्स जो कुछ बुक है वो सुनील गवास्कर लिखे हैं। वेयर इज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोन रिवर? सोन रिवर, सोन नदी का जो स्रोत है वो कहाँ से सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द ककोलत वाटरफॉल? जी हाँ, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में है, ऑप्शन बी। नंबर ऑफ बेसबॉल प्लेयर्स इन ईच टीम? जी हाँ, बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? जी हाँ, एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 17वां नंबर, एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। इसके पहले उर्जित पटेल थे, तो उर्जित पटेल के जगह शक्तिकांत दास ने गवर्नर हुए। फिर चलते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। इन बिहार स्पूर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू? तो ये जो है योजना जो है बिहार में स्पूर जो है योजना का संबंध जो है स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रोवाइड फाइनेंस टू लोकल बॉडीज। फिर है 19वां क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया?
तो लार्जेस्ट स्टेट की बात आती है तो यहाँ पे ऑप्शन चार दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी जो है राजस्थान बिल्कुल सही है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है भारत का, तो कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये आपका है बेंगलुरु। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीननेस इन स्कूल? जी हाँ, क्लीननेस इन स्कूल में, जो स्कूलों में स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसमें आपके चार ऑप्शन है, प्रिंसिपल, बाल संसद, टीचर एंड स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, तो इसमें से सभी ऑप्शन डी सही है। व्हेन वाज हॉकी इंट्रोड्यूस इन एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में हॉकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका 1958 टोक्यो ओलंपिक, ऑप्शन सी सही है। व्हेन डिड क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्टेड? क्रिकेट वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1975 में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन? मैराथन का जो डिस्टेंस होता है अगर किलोमीटर की बात होती है तो 32.195 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे मील और गज में पूछा है तो 26 मील 385 यार्ड, 36 मील 385 गज, ऑप्शन डी। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, ये जो होता है गाजर मीन्स कैरोट, ऑप्शन सी सही है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस कौन है? अभी शरद अरविंद बोबड़े हैं, इसके पहले थे रंजन गोगोई। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार? जी हाँ, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछना ही था क्योंकि ये बिहार का एग्जाम था तो, और एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें सही ऑप्शन है कृष्ण नंदन वर्मा जो हैं बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अमरेंद्र प्रताप शाही, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज कॉल्ड फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी जो है मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। इन विच सिटी ऑफ बिहार सुलभ इंटरनेशनल स्टार्टेड लो कॉस्ट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नोन एज सुलभ जल? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी दरभंगा। एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये हैं श्री फागू चौहान जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हु वॉज द थर्ड मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया? भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर, पहले दूसरे बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर आए अकबर। व्हाट इज 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इन फॉरेनहाइट? तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करेंगे फॉरेनहाइट में तो 104 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड आर फाउंड इन ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो होता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट मैं चलता हूं। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल की बात होता है तो गिरीशचंद मुर्मू है। अभी लद्दाख जो है नया यूनियन टेरिटरी बना है। हाउ मेनी कमिश्नरीज एंड डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बिहार? भारत में कुल कितने प्रमंडल एवं जिले हैं? तो कुल 9 प्रमंडल है और 38 जिले हैं। चलिए 38 नंबर। हार्डवेयर इज रिलेटेड टू? हार्डवेयर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर से। फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन? भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स होते हैं? 24, ये 12 का पेयर होता है तो टोटल रिब जो हो जाएगा, रिब्स यहाँ पे पूछा है, इसमें पेयर नहीं पूछा है, तो 24 हो जाएगा। हु वाज द पेंटर ऑफ फेमस पेंटिंग भारत माता? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर पर चलते हैं। द बुद्धिस्ट मोंक हू स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वास, ये तो है पद संभव। ऐसे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये जितने भी बुद्धिस्ट
बौद्ध भिक्षुक थे, ये सभी लोग तिब्बत में जाके धर्म प्रचार किए थे। लेकिन इसमें अगर गूगल में आप सर्च करिए तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो सही है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जी हाँ, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किनकी आत्मकथा है, तो ये हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 44 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू जो 73वीं संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है, तो ये जो है पंचायती राज से है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। तो जो नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया है उसके राइटर जो है मार्क टुली है। एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, कौन सा एलिमेंट इसमें जो है वो ब्लड में नहीं पाया जाता है, तो ये जो है क्रोमियम है। बिंबिसार वाज द रूलर ऑफ बिंबिसार कहाँ का शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिंबिसार जो है मगध के शासक हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो बी हो जाएगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। इन एंशियंट टाइम द नेम ऑफ बिहार शरीफ वाज, बिहार शरीफ प्राचीन समय में बिहार शरीफ का क्या नाम हुआ करता था, ओदंतपुरी। सिलाव प्रसिद्ध है, सिलाव इज फेमस फॉर व्हाट, खाजा। खाजा के लिए सिलाव जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये खाजा के लिए फेमस है। नालंदा नवादा, हाँ नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मेल टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे, मीर सेन थे। क्वेश्चन नंबर चलिए 52 पे आते हैं। विच इंडियन वॉज द फर्स्ट टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले सबसे पहले कौन थे, प्रकाश पादुकोण। उसके बाद फिर आपके हैं पुलेला गोपीचंद है, तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है तो प्रकाश पादुकोण। चिन्ना स्वामी स्टेडियम इज सिचुएटेड, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है कहाँ स्थित है, तो ये बैंगलोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। द ट्रॉफी विच इज रिलेटेड टू द लॉन टेनिस, लॉन टेनिस जो है डेविस, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही है। फिर 55 नंबर, हु इज द विनर ऑफ द फर्स्ट मेल T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप जो कि 2007 में हुआ था, और इसका जो विनर है ये T20 का वो इंडिया, उस समय हमारे T20 के कैप्टन हुआ करते थे MS धोनी। फिर 56 नंबर, स्कुलोसिस इज ए पोस्टल डिफॉर्मिटीज रिलेटेड विद, स्कुलोसिस एक आसानीय विकृति से संबंधित है, किससे है, वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उसे, वर्टिब्रल कॉलम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। विजेंद्र कुमार सिंह इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, विजेंद्र कुमार सिंह जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो ये बॉक्सिंग से हैं। चलते हैं नेक्स्ट 58। हाउ मेनी पीसेज ऑफ पॉम्स डज ईच प्लेयर इन चेस है, शतरंज में प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितने मोहरे होते हैं, तो 16-16 मोहरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टुवर्ड द हार्ट, ये जो होता है कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाता है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हैं, और इसमें जहां तक बात है कि कुछ जो जीके है थोड़ा टफ है, फिजिकल एजुकेशन थोड़ा इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 60। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है। माइकल जॉनसन इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ, माइकल जॉनसन जो है एथलेटिक्स से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। द वाटर सोल्युबल विटामिन ई, जी हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो कि काफी कंफ्यूज किया होगा कैंडिडेट लोगों को कि वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ए डी ई के जो होता है फैट सोल्युबल होता है, और बी और सी, तो अगर देखा जाए अप्रोप्रिएट देखा जाए तो यहाँ पे विटामिन बी होगा, लेकिन अगर आपने सी मारा है तो सी भी सही है, उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम इन इंडिया,
जो ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी? कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 प्लेयर खेलते हैं। इंक्रीज इन मसल्स मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड? जो भारी वजन प्रशिक्षण के दौरान मांसपेशियों में वृद्धि को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मसल्स हाइपरट्रॉफी, मतलब पेशी अति वृद्धि। फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। IAF इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था मार्च 1912 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। वेयर डिड कपिल देव प्ले हिज फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच? जो कपिल देव ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कहां पर खेला था? तो ये खेले थे पाकिस्तान में। नेक्स्ट है 68 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज रिलेटेड टू द वॉलीबॉल? इसमें से कौन सा जो है वॉलीबॉल से रिलेटेड है? ये जो है अटैक लाइन, यहाँ पे ऑप्शन सी जो होता है अटैक लाइन सही होगा। बोनस लाइन जो है आपका कबड्डी से है, बक लाइन भी है कबड्डी से है। सर्विस लाइन की अगर बात हो जाए तो ये हो सकता है टेनिस से होगा और आपका बैडमिंटन से। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हर्डल इन 110 मीटर हर्डल्स, जो फर्स्ट मतलब 110 मीटर हर्डल्स में जो फर्स्ट हर्डल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट से वो होता है 13.73। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज प्राइमरी एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार मानता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी 21A। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? जी हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट लोगों को ये कन्फ्यूज किया होगा कि भारत में कितने स्टेट हैं। तो पहले टोटल 28 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे, तो अब जो है 29 हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर भी ये अब स्टेट हो गया है और एक नया जो यूनियन टेरिटरी जो बना है वो लद्दाख है। तो 7 आपके जो हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश भारत। हु इज द स्पीकर ऑफ करंट लोकसभा? करंट लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो ये है ओम बिरला, ऑप्शन नंबर सी। इन इंडिया विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th नवंबर? 11th नवंबर को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द गुलक बच्चा बैंक? गुलक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये जो है पटना में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? बिहार में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जो है पूर्णिया है। मधुबनी जो है शेयर करता है किशनगंज भी और सीतामढ़ी भी। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है कौन सा है? पूर्णिया है। वेन वॉज द बिहार क्रिएटेड एज ए सेपरेट स्टेट? सेपरेट स्टेट बिहार कब बना? 1912 में। बिहार और उड़ीसा दोनों ही सेपरेट स्टेट जो है 1912 में। द ओलंपिक गेम्स इन 2016 वाज हेल्ड? जो 2016 का जो ओलंपिक गेम्स हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है आपका ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2020 का जो है टोक्यो में होने वाला है। द टाइप्स ऑफ स्विमिंग इन कॉम्पिटिशन आर? जो प्रतियोगिता होती है जो तैराकी में कितने टाइप का होता है? 4 तरह के होता है। ये कौन कौन से हैं? फ्री स्टाइल है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है और बैक स्ट्रोक है। ये 4 स्ट्रोक होते हैं स्विमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फेमस हॉकी प्लेयर हैज रिटेन द बुक गोल्डन हैट्रिक? गोल्डन हैट्रिक जो है बलबीर सिंह लिखे थे।
बलवीर सिंह यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही है। कुंफू वाज स्टार्टेड बाय द कंट्री, कुंफू कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है चाइना में स्टार्ट हुआ था। थ्रो इन इज रिलेटेड टू विच गेम, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये फुटबॉल जो ऑप्शन बी है वो सही है। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइड ओवर बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी 1924। हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू द रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ को गुरुदेव के नाम से जो सबसे पहले या कौन बुलाए थे, उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी। चलते हैं, हुई द राइटर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, जी हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हु इस्टैब्लिश खालसा, खालसा की स्थापना करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, क्रिकेट इज स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कहाँ से स्टार्ट हुआ है क्रिकेट जो है, इंग्लैंड से। हाउ मेनी बॉल्स बॉल्स आर देयर इन वन ओवर, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, 6 बॉल, 6 गेंदे फेंके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है 1984 वो सही है। और अब क्वेश्चन नंबर 19 है, 2022 का जो एशियन गेम्स होने वाला है कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है चाइना में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 100, फटिक विच कम्स ट्रेनिंग इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के चलते हमको थकान होता है जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ये था आपका बिहार से रिलेटेड, जी हाँ, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 जो कि आयोजित की गई थी 16 दिसंबर को पटना में, विभिन्न अलग अलग जगहों पर ये जो भी, तो उसमें जो है आज बहुत सारे कैंडिडेट उसमें आज एग्जाम दिए, और एक क्वेश्चन जहाँ तक कैंडिडेट सभी कैंडिडेट से पता चला है कि इसमें जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन था इजी था, लेकिन जो जीके जीएस था वो थोड़ा टफ था, और ऐसे भी इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 60 मार्क्स लाने हैं, तो 60 मार्क्स अगर आपने पढ़ाई किया है पहले से तो आपको आसानी से आ जाएंगे 60 मार्क्स। इसमें आपको एक चीज़ का सावधानी रखना था, इसमें किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो एक जितने भी अप्लीकेंट थे उनके लिए अच्छी है, खुशखबरी है, और इसका बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है, और उसके साथ साथ आपको बहुत जल्दी भी फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ दिन के लिए रखेंगे, लेकिन ये जो जॉब होगा 60 ईयर्स तक के लिए होगा। तो ये जानकारी था अब तक का फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर के बारे में, बिहार बिहार में जो कि पहली बार एग्जाम आयोजित की गई थी, इससे पहले इस तरह का एग्जाम नहीं आयोजित किया गया था, और मिडिल स्कूल में जो भी बहाली होगी मिडिल स्कूल में, तो सभी में जितने भी हमारे दोस्त, हमारे जूनियर्स, ये जो भी सीनियर्स लोग इस एग्जाम को दिए हैं, तो मैं उन लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, और एक बार फिर से जब इसका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको अपडेट इससे रिलेटेड लेकर आऊँगा। धन्यवाद, और अगर हमारे चैनल को अगर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।